2023 में जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोग के लिए, जो संस्कृत यानी कि संस्कृत में किस तरह से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं उसके लिए टिप्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। देखिए, संस्कृत व्याकरण को रट कर याद करने की कोशिश नहीं करना है, हर दिन जिसका अभ्यास करें और फिर उसे समझ कर याद करें, ठीक है। जिस प्रश्न का उत्तर संस्कृत में देने को कहा जाए उसका संस्कृत में ही उत्तर दें। प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है वो है, कुल अंक जो है वो 100 रहेगा, उसके बाद जो है वास्तुनिष्ठ प्रश्न जो होगा 100 प्रश्न रहेंगे, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। हर प्रश्न एक एक अंक का होगा और विषयनिष्ठ प्रश्न जो है ओपटेट गद्यांश यानी 13 अंक, पत्र लेखन 8 अंक से और अनुच्छेद 7 अंक से, अनुवाद 6 अंक से, लघु उत्तरी प्रश्न 16 अंक का होगा। दूसरे के अनुच्छेद के कुछ मुख्य टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना ज़रूरी है, वो है गणतंत्र दिवस, सरस्वती पूजा, प्रिय कवि या नेता, भारतवर्षम, असमांक विद्यालय, गंगा नदी, कोरोना संक्रमण, ठीक है। व्याकरण में जो है धातु रूप, शब्द रूप, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, कारक और विभक्ति, इन सारी चीज़ को आपको पढ़ के जाना है। अभी से तैयारी कर लीजिए दोस्तों और अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।